नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ मानव जाति की लड़ाई की। पूरा मानव समाज, पूरी मानव जाति, पूरी विश्व सभ्यता इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही है, जिसका नाम है कोविड-19 कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के तमाम देशों में लगभग 150 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दुनिया में, और एक दर्जन से ज़्यादा देश कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। और विज्ञान लड़ रहा है, पूरे विश्व का विज्ञान एक अदृश्य वायरस से लड़ रहा है, इतने छोटे वायरस से लड़ रहा है जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। उस वायरस ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है, बड़े बड़े देशों को खून के आंसू रुला दिए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि उम्मीद भरी खबर है ये, और अब ह्यूमन ट्रायल भी उस वैक्सीन का शुरू हो गया है जो बनाई जा रही है कोरोना से आपको बचाने के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसमें लीड ली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक प्रोफेसर सारा गिलबर्ट उस टीम का नेतृत्व कर रही हैं जो वैक्सीन आपके लिए तैयार की जा रही है। दुनिया के 7 अलग अलग देशों के साथ कोलैबोरेशन में ये वैक्सीन तैयार हो रही है, और ये टीम जो है इसका नेतृत्व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कर रहे हैं। और ये उम्मीद जताई गई है कि ये जो वैक्सीन है, ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं, वो 90% से अधिक उसका सक्सेस रेट ज़रूर होगा। इसी भरोसे के साथ 10 लाख वैक्सीन शुरुआती दौर में बनाने के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिकों की टीम है। उन्हें भरोसा है कि वैक्सीन सफल होगी, इसीलिए उन्होंने 10 लाख यूनिट बनाने के आदेश भी दे दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग की भी तैयारी हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर तक ये वैक्सीन मार्केट में आ पाएगी, यानी समय भी इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। इसके अलावा चीन ने भी दावा किया है कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहा है, और बहुत जल्द उसकी वैक्सीन मार्केट में आने वाली है। चीन ने भी ये दावा किया है। हालांकि चीन में, चूंकि सबसे पहले ये बीमारी चीन में ही आई थी, ये वायरस चीन में ही ट्रेस हुआ, तो चीन के पास इस वायरस की सबसे ज़्यादा जानकारी है, सबसे बेहतर स्टडी ये कहा जा रहा है कि चीन के पास मौजूद है। इसलिए चीन जो है वो शायद पहले इसकी वैक्सीन बना लेगा और उसके बाद पूरी दुनिया में बेचेगा। फ्रांस और जर्मनी भी इस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। उनके यहाँ भी कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम चल रहा है। फ्रांस और जर्मनी का भी दावा है कि जल्द ही वो भी अपने यहाँ वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेंगे। लेकिन ये सारे देश जो काम कर रहे हैं, भारत भी उसमें शामिल है, ये सारे देशों के वैज्ञानिक जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का बेहतर परिणाम आने में वक्त लगेगा। लेकिन हमको आपको अभी अगले कई महीनों तक कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि ये वायरस हमारे आसपास है, हमारे नज़दीक है। हमें इससे बचकर कैसे रहना है, इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, अपनी जीवन शैली की समीक्षा करनी होगी। अपने घरों में जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बीमार हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको लेकर हमें बहुत सतर्क रहना होगा, और डॉक्टर्स के सारे निर्देश, सरकार के सारे निर्देशों का हमें पालन करके इस बीमारी से खुद को बचाना होगा। और एक लंबा वक्त है, कम से कम नवंबर तक, या फिर हो सकता है और कुछ वक्त लग जाए, क्योंकि ट्रायल्स चल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 90% सफलता की उम्मीदें हैं, लेकिन कोई बाधा भी आ सकती है, इसलिए ज़रा भी लापरवाही ना करें। भारत में भी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, चंडीगढ़ PGI के लोग प्रयास कर रहे हैं। वहाँ कुष्ठ रोग की दवाओं और कुष्ठ रोग के वैक्सीन से इसका इलाज करने का प्रयास किया गया है, उन्हें सफलता भी मिली है, कई मरीजों पर बेहतर परिणाम मिले हैं। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी फॉलो की है डॉक्टर्स ने, उसके भी बेहतर परिणाम मिले हैं। एड्स की दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और मलेरिया की जो दवा है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन, उसे भी दिया गया है कोरोना के मरीजों को, उसमें भी उन्हें फ़ायदा हुआ है। तो उम्मीद बहुत है, लेकिन लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। सावधानी बहुत ज़रूरी है, आप रिस्क नहीं ले सकते, ये इतनी खतरनाक बीमारी है, इसलिए अपना ध्यान रखें। इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।